अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हसन, हसन्स डेस्क से। उम्मीद करता हूँ पिछली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों ने उसे समझा होगा और सीखा होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी एनीथिंग आपको समझ नहीं आया उसमें, आप उसमें नहीं सीख सके, या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरी उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे, यहाँ पे भी करूँगा। आप इन दोनों वीडियोस के नीचे मेंशन कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा लंबी तमीज नहीं बांधता, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन ने मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तो बाकी मेथड्स अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। पहला मेथड है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन लेते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? सॉल्यूशन इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अच्छा, अब करना क्या है, इसको हमने सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको आप याद रखेंगे तो आपका बड़ा उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, अब करना इसमें ऐसे है कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 20 एक्स, ठीक है? और इन्हीं दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आए वो ये वाली है माइनस एक्स की, ठीक है? प्लस या माइनस करें तो ये वाली वैल्यू है। अब बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों को होती है। ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है माइनस 20 एक्स। इसके आगे वन होता है, इतना तो हम सबको पता है। हर वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके नीचे उसके आगे वन है, ठीक है? तो 21 ज़ा 20 माइनस 20। अब दो ऐसे नंबर लेते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो उनके बाद हमारे पास वन बजना चाहिए, वो भी माइनस वन, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अब देखें, दो ऐसे नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 और 1 ले रहे हैं, ठीक है? 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2, और 2 को 1 से 2 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास बचेगा 1, ठीक है? लेकिन अभी छोटी वैल्यू स्टार्ट लिया ना हमने, आगे चलते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 तो आ रहा है लेकिन 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 बचता है। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं, 4 और 3 को करते हैं, 4 3 ज़ा 12, और 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 1 बच रहे हैं। फिर आगे जाते हैं 5 और 4, 5 4 ज़ा 20, और 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 1। 5 into 4 इज इक्वल्स टू 20, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो इसके हिसाब से पूरी हो रही है। अब ऊपर आपके सामने मैंने लिखा, ठीक है, जो साइन यहाँ पे अवेलेबल है, जो साइन यहाँ पे लग रहे हैं हमारे पास, हमें ऐसे ही साइन यहाँ पे चाहिए। अगर मैं 5 के साथ माइनस लगाऊं बड़ी वैल्यू के साथ तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये माइनस रहेगा, प्लस इनटू माइनस 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 20 हो जाएगा। लेकिन फिर ये होगा कि ये माइनस और ये प्लस, 5 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, जो कि हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। ऐसे ही है ना, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से अगर हमने छोटी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू माइनस की है, छोटी प्लस की है, इनको जब सॉल्व किया तो -1 आ रहा है और हमारी रिक्वायर्ड सिचुएशन आ रही। आपको समझ आएगा हमने स्टार्ट कैसे लिया, हमने छोटी वैल्यू जो इसकी रिक्वायर्ड बीच की वैल्यू थी हमने उसके हिसाब से स्टार्ट लिया, मल्टीप्लाई करते गए, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक जगह पर आके हमें ऐसा नंबर मिला जिनको हमने मल्टीप्लाई किया
तो यही वैल्यू आ रही है, और जिनको हमने प्लस या माइनस किया तो ये वैल्यू आ रही है, माइनस करने से ये वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा अब इनको यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं, एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, ठीक है। और अब ये -5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5x, ठीक है। क्योंकि अब देखो ना, यहाँ से अगर हम ऐसे करेंगे -5x और +4x तो हमारे पास -x बचेगा ना, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे भी इसी तरह, अब यहाँ पे भी कर लें ऐसे कर लें, ठीक है, और इसको सिंपल रहने दें, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इनमें इन दो में और इन दो में हमने कॉमन देखने, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 5 है, कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, 1 ही आएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो मीन एक्स कॉमन आ सकता है। जब हम इसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये वाला एक्स इस एक्स को डिवाइड करेगा, मतलब इस एक्स, जब ये एक्स, ये 2x है ना, एक्स स्क्वायर मतलब 2x, एक एक्स डॉट एक्स, ठीक है, तो एक एक्स तो बाहर आ गया, एक एक्स रह गया, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे 5x है, तो जब एक्स बाहर आ गया तो हमारे पास खाली 5 बच जाएगा। अब इनमें कॉमन एक्स तो नहीं आ सकता। अच्छा अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे भी देखे ना माइनस की ब्रैकेट है, तो यहाँ पे भी हमें माइनस में ही कुछ चाहिए होगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ से अगर मैं 4 के टेबल में देखो 20 आ रहा होता है, 4 5 20, तो 4 हम यहाँ पे +4 को हम कॉमन ले लेंगे। जब +4 को कॉमन ले लेंगे तो इसमें जब 4 यहाँ आ गया तो हमारे पास यहाँ पे खाली एक्स बच जाएगा, और इसी तरह 4 से जब 20 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब पहले तो इनमें से कॉमन लिया, अब इस पूरी में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहे हैं, अब इस पूरी में देखो, इस ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इन दोनों में कॉमन हमारे पास -5 और -5 आ रहे हैं, तो मैं ऐसे करेंगे -5 को एक ब्रैकेट में और +4 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। ये टोटल सॉल्यूशन हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चेक करना चाहते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, चलेंगे सही है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, होप आप लोगों को लगेगा शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अच्छा है ऐसे क्वेश्चन भी आए जिनको जो थोड़ा डिफिकल्ट लगे उनको मैं सॉल्व करूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, अक्सर ही मैंने स्टूडेंट्स को सुना है कि टीचर्स हलवा क्वेश्चन कर लेते हैं और हमें हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन मुझसे हल करवाना है मैं हल करके दूंगा, शर्त यह है कि एक बार प्रैक्टिस आप भी करें, हो सकता है आप खुद कर सकें, ठीक है। अगर ना हो, आप क्वेश्चन हल करें, उसकी पिक्चर लें, मुझसे शेयर करें, फर्दर मैं आपको उसकी एग्जैक्टली वीडियो बना के आपको शेयर करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपकी कहाँ पे और किस जगह पे मिस्टेक थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 3y² इज इक्वल्स टू y इंटू y -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट इस लिहाज से कह रहा हूँ कि देखो 3y² आ गया इक्वल्स टू y, पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल्स के साइड लाना पड़ेगा, सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन 3y² इज इक्वल्स टू y इंटू y -5, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3y² इज इक्वल्स टू y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² -5 y, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे y² -5y है, इनको इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y² -y² और ये प्लस थे यहाँ माइनस हुए, और ये माइनस थे तो यहाँ आएंगे +5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब ये 3y² है, ये -y² है, जिस वेरिएबल के आगे नंबर नहीं होता वो डेफिनेटली उसके आगे 1 होता है, तो इट्स मीन 3y² में से 1y² माइनस होगा, तो यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2y² प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इट्स सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखने में मुश्किल लग रहा था, अदरवाइज ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में अगर देखें 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो इट्स मीन नंबर कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वेयर है और यहाँ पे वाई है, मीन्स वाई कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ से वाई ले लिया, एक वाई यहाँ पे आ गया तो 2y बच गया, यहाँ पे ये वाला वाई भी यहाँ पे आ गया तो प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता। इससे आगे अगर हम जाते हैं और हम इसमें जो है ना और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी आप फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को भी जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसको एग्जैक्टली इसी तरह से करेंगे तो भी आपका मतलब सॉल्यूशन वो भी है और ये भी है। ठीक है, तो बेहतर है कि आप उस तरह करें जिस तरह ये अभी मैं करने जा रहा हूँ, सबसे बेस्ट वे ये होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, वाई को इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल पुट करेंगे और 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये तो 0 के इक्वल हो गया, अब ये 2y प्लस 5 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, अब 2 यहाँ पे y के साथ जब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इक्वल के साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के उस साइड जाएंगे तो इसका ऑपोजिट साइन क्या है, डिवाइड। सो y इज इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आएगा, जो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल होने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5/2, या फिर आप यूं लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू 0 एंड -5/2। ठीक है, ये आपका यहाँ पे अभी इसको हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। इसमें कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब मैं इसके पीछे आपको सिर्फ दो होमवर्क दूंगा, आज ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, आपको ये दो होमवर्क करने हैं और मुझसे शेयर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका होमवर्क का, 4 - 32 एक्स इज इक्वल्स टू 17x². और जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वो है x² - 11x इज इक्वल्स टू 152। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, मुश्किल नहीं है, इजी है, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, सॉल्व ना हुई तो मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बार आपने ट्राई करना है। कहीं पे भी किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टी आ रही हो, प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जो जो मेरी वीडियो देख सकता है, जो जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उन सब से शेयर करें ताकि वो लर्न कर सकें, इसको समझ सकें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।